different responsibilities of air traffic controllers. Explain in 1 minute. Save time for all the useful info. अब ATC क्या होता है? ATC का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जितने भी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ान कर रहे हैं, ये हमेशा ATC से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ATC ही इन्हें बताता है कि आप कौन सी लेवल पे फ्लाई करें, कौन सी स्पीड पे फ्लाई करें, कौन सी हेडिंग पे फ्लाई करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले जब हम एक एयरक्राफ्ट की जर्नी की शुरुआत करते हैं ऑन ग्राउंड, जो पहला एटीसी होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड, या जिसे हम सरफेस मूवमेंट कंट्रोल भी कहते हैं। ये आपको परमिशन देता है फॉर पुशबैक एंड स्टार्टअप एंड टैक्सी टिल द होल्डिंग पॉइंट। उसके बाद आपका जो रोल आता है वो आता है टावर का, टावर आपको टेक ऑफ देता है, देन आता है अप्रोच एंड देन आता है एरिया कंट्रोल। सो इस तरीके से आप एक एरिया कंट्रोल से दूसरे एरिया कंट्रोल में जाते हैं, डिसेंड करते हैं और इन्हीं सारी एटीसी से बात करते करते अपने कर्तव्य स्थान पे लैंड करते हैं। फॉर मोर सच इन्फो कीप लाइकिंग शेयरिंग पुट इन ऑल योर कमेंट्स बिलो। कैप्टन रोहित रामचंदानी, नमस्कार। So due to the identified risk, ये बंद करवा